नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना 2020 से 2021 एवं विधवा अथवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना 2020 से 2021 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियां बढ़ा दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में जारी नोटिफिकेशन के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ऑनलाइन स्कॉलरशिप दी के लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें देवनारायणी छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना एवं विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना की अंतिम तिथि 5 मार्च 2021 दी गई लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना अंतर्गत राजस्थान स्थित राजकीय एवं वित्त पोषित महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं से एवं विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना अंतर्गत राजस्थान स्थित राजकीय अथवा निजी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र अध्यापिकाओं से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र उनके सम्मुख अंकित वर्षों के लिए विभागीय वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे, जिनकी तिथि में निम्नुसार अभिवृद्धि की जाती है। देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2020 से 2021 पोर्टल बंद होने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2021 विधवा अथवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना वर्ष 2020 से 2021 पोर्टल बंद की अंतिम तिथि 5 मार्च 2021। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 5 मार्च 2021 कर दी गई है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्रा छात्र अध्यापिका अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा निर्देश नियम एवं संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की भलीभांति अध्ययन कर ही आवेदन करें। योजनाओं से संबंधित नियम दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in/ के होम पेज पर ऑनलाइन स्कॉलरशिप पर उपलब्ध है। जिन विद्यार्थियों को उनके महाविद्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, वे अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्रवाई करावें। जिन महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्रवाई करें। इसके अभाव में महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 5 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। दिशा निर्देश एवं नियमों के संदर्भ में हमने पूर्व में भी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। ऑनलाइन छात्रवृत्ति योजनाएं तथा उनके नियमों के संदर्भ में हम यहां से जानकारी ले सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप पोर्टल SSO पर पहली बार काम करें तो यहां क्लिक करना होगा। यदि आप SSO पर पहले से पंजीकृत है तो लॉगिन करके SSO ID के माध्यम से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2021 तक निर्धारित की गई है। इसके संदर्भ में हमने पूर्व वीडियो में चर्चा कर ली है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से संबंधित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE वेता चश्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।